नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित लखनऊ नगर निगम के 22 संविदा कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद निगम के कर्मचारी संगठन आक्रोशित हो गए हैं। सोमवार को नगर निगम कर्मचारी संघ के बैनर तले यहां के कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन ने नगर निगम के चीफ इंजीनियर पर तानाशाही का आरोप लगाया, साथ ही जिन कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है उनको वापस लेने की मांग की गई है। दरअसल नगर निगम के मुख्य अभियंता मनोज प्रभात ने निगम के 22 संविदा कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी, जिससे कर्मचारी संगठन खासा नाराज हैं। मुख्य अभियंता के मुताबिक ये कर्मचारी हटाए जाने के बावजूद भी नगर निगम के RR विभाग के कार्यालय में कब्जा जमाए हुए हैं। वहीं नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आनंद वर्मा ने सी न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि इन कर्मचारियों का मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है, FIR की कार्यवाही गलत है। का FIR किया गया है 22 लोगों पर जो संविदा कर्मी थे, RR की तरफ से जो मुख्य अभियंता है उनके, क्या था पूरा मामला? ये 22 कर्मचारी पूर्व में नगर निगम में काम करते थे और नगर निगम प्रशासन इनको चेक के माध्यम से भुगतान करता था। फिर उसके उपरांत कार्यदायी संस्था के माध्यम से इनको गड़बड़ किए जाने के आदेश हुए, तो कर्मचारियों को कहना यह था कि हमको नगर निगम वेतन देता है और नगर निगम में हम काम करते हैं तो हमको पूर्व की भांति नगर निगम से ही हमको भुगतान किया जाए। जब प्रशासन ने इनकी बात को नहीं माना तो ये सारे कर्मचारी माननीय न्यायालय की शरण में गए और माननीय न्यायालय में अपने वेतन भत्तों के लिए वो गुहार लगा रहे हैं। और इसी बीच नगर निगम प्रशासन ने इन 22 कर्मचारियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए FIR गोमती नगर थाने में दर्ज कराई है। तो नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष होने के नाते कल माननीय महापौर जी से एक अनुरोध किया गया था कि ये बाहर के कर्मचारी नहीं हैं, ये नगर निगम के ही कर्मचारी हैं। इन्होंने नगर निगम संस्था में अपना पसीना बहाकर इस संस्था में अपना काम किया है और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। ये कोई चोरी की परिधि में इन्होंने ऐसा कृत्य काम नहीं किया है। जो FIR उनको लॉन्च की जाए तो संगठन के माध्यम से माननीय महापौर जी से, आदरणीय नगर जी से ये गुहार लगाई गई है कि इन कर्मचारियों के ऊपर FIR वापस ले लिया जाए, ताकि जो उनका मानसिक प्रताड़ना है, जो उनको उनके और उनके परिवार में जब से ये FIR की बात पता चली है, वो बहुत सारे उनके परिवार के बच्चे, बीबी और उनके माता पिता, वो खुद बहुत परेशान है और जो माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उस हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाए। जो रजिस्टर पे जबरदस्ती साइन करने का मामला सामने आ रहा था, जो मुख्य अभियंता की तरफ से कहा जा रहा था, उसमें कितनी सच्चाई? देखिए, जो भी कर्मचारी नगरीय में काम करते हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये लोग भी पूर्व से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे और संगठन के संज्ञान में है कि कुछ दिन पूर्व भी अभियंता जी ने ही आदेश किया था कि जो है कोर्ट, उस माननीय न्यायालय का भी हमने जो पत्र देखा, माननीय न्यायालय का उन्होंने हवाला देते हुए इनकी उपस्थिति पे हाजिरी लगवाने के लिए भी उन्होंने आदेशित किया था। और कोई भी कर्मचारी जबरदस्ती हाजिरी क्यों लगाए? तो अगर FIR वापस नहीं लिया जाता तो संगठन इसके लगे आगे क्या रणनीति? अब संगठन की कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर इस पर हम विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि संगठन कर्मचारी हित के लिए हमेशा काम किया है और आगे भी कर्मचारी हित के लिए वो हमेशा काम करेगा। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता रितेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।